बात करने के लिए हमारे साथ ENIL के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत पांडे जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। नतीजों पर बात करें तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस्तिमाई के हाइलाइट्स क्या थे, इसके बारे में कुछ बताइए, कहाँ से ग्रोथ देखने को मिली है? ये वाला जो क्वार्टर हमने अभी तो देखा, क्वार्टर वन, ये पहला क्वार्टर रहा है 2 साल के बाद जब कोविड का इम्पैक्ट नहीं था, जब जहां पे कोई भी जगह का लॉकडाउन नहीं था और पूरा मार्केट पूरी तरह से रिवाइव हो गया था। और इसीलिए हमारे कंपनी ने जो रेवेन्यू ग्रोथ किया है वो बहुत ज्यादा किया है, 145% का रेवेन्यू ग्रोथ है, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 गुना हमारा रेवेन्यू हो गया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। नाउ ऑब्वियसली लास्ट ईयर कोविड हिट था इसलिए नंबर्स कम थे और इसलिए रिकवरी तो कम से कम बिल्कुल होनी ही थी, उसमें कोई डाउट ही नहीं था। लेकिन रिकवरी 145% जब होती है तो ऑब्वियसली हमको कॉन्फिडेंस आता है कि मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है, एडवर्टाइजर्स को बहुत जरूरत है इस बार, इस वक्त मीडिया कंपनीज की और रेडियो कंपनीज की इन पर्टिकुलर, और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि उसका हमको नजर दिख रहा है। और जुलाई और अगस्त में भी मैंने नोटिस किया है कि काफी सारा स्ट्रेंथ है मार्केट में, तो ये बहुत अच्छी न्यूज है कि कोविड के बाद मार्केट रिकवर कर रहा है। नाउ दूसरी बात यह है कि जो हमारे 2 प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है कोर रेडियो जो आप सब लोग रेडियो मिर्ची के नाम जानते हैं, लेकिन दूसरा जो है वो हमारा एक बिजनेस है सॉल्यूशंस का, जहां पे हम एडवर्टाइजर्स को आइडियाज देते हैं और उनके पैसे हम एडवर्टाइजिंग के अलावा अलग तरीके से हम लोग उनसे लेते हैं। ये जो सॉल्यूशन बिजनेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्री पैंडेमिक लेवल था ये वहीं पे वापस पहुंच गया है। इन अदर वर्ड्स इसकी रिकवरी फुल हो गई है और इसके आगे मुझे लगता है बढ़ते हुए हमें काफी ग्रोथ देखने को मिलेगा सॉल्यूशंस बिजनेस में। सो इस वक्त मैं यही कहूंगा कि दोनों हमारे जो बिजनेस हैं रेडियो और सॉल्यूशन, दोनों ने बहुत अच्छी रिकवरी बताई है फर्स्ट क्वार्टर में। बिल्कुल, रिकवरी दिख भी रही है और कोविड के सर से जैसा कि आपने बताया वो ऑपरेशनली भी दिखाई दे रहा है, लॉस भी कंपनी का कम हुआ है। सर ये समझना चाहेंगे कि घाटा जरूर कम हो रहा है बट अभी भी प्रॉफिट्स में ब्रेक इवन आना बाकी है, तो वो लेवल्स हमें कब तक देखने के मिलेंगे, कब तक देखने को मिलेंगे, और मुनाफे को लेकर आगे के लिए क्या आउटलुक है आपका? देखिए जो रेडियो बिजनेस होता है उसे हम हमेशा ये कहते हैं कि इसमें हाई ऑपरेटिंग लेवरेज होता है, इन अदर वर्ड्स कि इसके जो कॉस्ट्स होते हैं ये फिक्स्ड कॉस्ट्स होते हैं और जो कॉस्ट्स जब फिक्स होते हैं तो हमेशा वो रेवेन्यू पे डिपेंड करता है कि प्रॉफिट होगी कि नहीं, मतलब कॉस्ट्स अपने आप कम नहीं होते, तो जब रेवेन्यू इनफ क्रॉस कर जाती है, इनफ बढ़ जाती है, तब जाके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट होता है। इस क्वार्टर में जो एबिट्टा होता है, एबिट्टा हमारा जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया है, तकरीबन 5 करोड़ के आसपास का हमारा एबिट्टा प्रॉफिट रहा है कोर रेडियो बिजनेस में, और मुझे लगता है कि अगले क्वार्टर में जैसे सेकेंड क्वार्टर में जब रेवेन्यूज और बढ़ेंगी तो हमारा पैट भी पॉजिटिव हो जाएगा, और इस साल के एंड तक मतलब FY23 का जो फाइनल नंबर आएगा उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस बार लॉस को टर्न अराउंड करके इस बार प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे, तो अगले क्वार्टर में मैं उम्मीद रखता हूं कि पैट भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ओके ग्रेट, तो अगले क्वार्टर में पैट भी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। हमने इस बार के नतीजों में देखा आपका जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है आपके ओवरऑल रेवेन्यू में, ये जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन अभी फिलहाल आ रहा है, और क्या ये जो रेशियो है वो आने वाले समय में और इंक्रीज होगा? आपको सॉल्यूशंस बिजनेस के बारे में बताया, उसमें हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डिजिटल प्रोडक्ट्स का, मतलब कि हम जब कोई एडवर्टाइजर के लिए कोई सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं उसके मार्केटिंग प्रॉब्लम के लिए, तो उस सॉल्यूशन में हम थोड़ा बहुत रेडियो यूज करते हैं लेकिन हम बहुत सारे अलग प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं जिससे कि उसकी मैसेज कम्युनिकेट हो सके मार्केट में, तो इस चक्कर में हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स काफी सारा यूज करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। हम अपने खुद के मीडिया जो डिजिटल एसेट्स हैं, हमारे खुद के सोशल मीडिया के जो एसेट्स हैं या हमारे जो यूट्यूब के एसेट्स हैं या हमारे ग्रुप के जो एसेट्स हैं, और जहां हमें जरूरत पड़ती है हम इवन एक्सटर्नल जो एसेट्स होते हैं, मतलब जैसे कि अगर फेसबुक हो गया या गूगल हो गया या फिर म्यूजिक के जो OTTs हैं जैसे गाना हो गया वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट्स डिजिटल के जो प्रोडक्ट्स हैं इस बिजनेस में हम सब प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और हम उन प्रोडक्ट्स के हिसाब से क्रिएटिव बना के हम एडवर्टाइजर को एक सोल्यूशन देते हैं। नाउ चूंकि ये सारी बिजनेसेस काफी तेज ग्रो कर रही है और हमारा सोल्यूशन बिजनेस भी काफी तेज ग्रो कर रहा है, ऑब्वियसली जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है डिजिटल प्रोडक्ट से वो बढ़ता जा रहा है। इस क्वार्टर में तकरीबन 11.5% हमारी जो रेवेन्यू आई है वो डिजिटल प्रोडक्ट से आई है,
और मैंने ये पहले भी बताया हुआ है कि हमें दिख रहा है कि ये जो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन है ये शायद 25% पे जाके तक तो पहुंचेगा कम से कम अगले 2 या 3 सालों में। नाउ इसके अलावा हम लोग ने अपना खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है जो इंडिया में 1 जुलाई को लॉन्च हुआ है और इसको मिर्ची प्लस के नाम से हम लोग ने लॉन्च किया है। और बहुत एक्साइटिंग बात यह है कि सिर्फ एक ही महीने में, सिर्फ जुलाई के महीने में तकरीबन 10 लाख या जिसे इस इंडस्ट्री में 1 मिलियन कहते हैं, 1 मिलियन यूजर्स ने हमारा ऐप को ऑलरेडी यूज करना शुरू कर दिया है ऐप और वेब के ऊपर। तो जब ये प्रोडक्ट और बढ़ेगा तो इसके अंदर जो एडवर्टाइजिंग इन्वेंट्री आती है, इसमें और सारे सब्सक्रिप्शन ऑप्शन होते हैं, ये सब जोड़ जोड़ के फिर मुझे लगता है कि हमारा जो डिजिटल कंपोनेंट का बिजनेस है वो कम से कम 25% तक पहुंचना चाहिए अगले 2-3 सालों के अंदर। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स में हमें बहुत विश्वास है और हमारी कंपनी ने इसके ऊपर कई सालों से काम किया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 साल में हम इसको बढ़ा के 25% तक ले जा पाएंगे। मेरा सवाल अगला मिर्ची प्लस पे होने वाला था उसके सब्सक्राइबर बेस को लेकर, लेकिन उसका जवाब आपने दे दिया है और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि वहां से अच्छा कंट्रीब्यूशन भी देखने को मिलेगा। आपके इंटरनेशनल कारोबार को लेकर भी एक बार व्यू लेना चाहेंगे आपसे, वहां पर प्रदर्शन किस तरह का रहा है? हाल ही में आपने कुछ एक्विजिशन भी किया, वहां पर कुछ सब्सिडरी भी अपनी शुरू की है, उसके बारे में भी कुछ बताइए और आने वाले समय में किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं आप, कहां कितना कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं आप अपने इंटरनेशनल ऑपरेशन से? 26 जनवरी 2019 को हमने अपना पहला अमेरिका में स्टेशन लॉन्च किया था न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी को कवर करते हुए। उसके बाद हमने उसको एक्सपैंड करके हमने पिछले साल सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया और हमने अभी मोर रिसेंटली डैलस में भी लॉन्च किया है। तो जो 3 सबसे बड़े मार्केट्स हैं अमेरिका में जहाँ पे इंडियंस या साउथ एशियंस रहते हैं, वो तीनों मार्केट में अब रेडियो मिर्ची अवेलेबल है ऑन एयर टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्ट के फॉर्म में। इसके अलावा हम कुछ ऑनलाइन स्टेशन भी ऑपरेट करते हैं यूएसए में। इसके अलावा हमारे पास मिडिल ईस्ट में, हम कतर में प्रेजेंट हैं, हम बहरेन में प्रेजेंट हैं और हम दुबई में भी प्रेजेंट हैं। तो 3 जो बड़ी कंट्रीज हैं जहाँ पे अगेन बहुत सारे इंडियंस रहते हैं और साउथ एशियन रहते हैं, हम वहाँ पे प्रेजेंट हैं। हमारा ये जो इंटरनेशनल कंट्रीज का जो फुटप्रिंट है फिलहाल इतना सा है, लेकिन जो हमारा ऑनलाइन जो मिर्ची प्लस ऐप है इसके थ्रू हम इसको और एक्सपैंड करने वाले हैं और कई सारे कंट्रीज में जहाँ पे छोटे मोटी पॉपुलेशन भी है इंडिया की, जहाँ पे एफएम चलाना अक्सर ही वायबल नहीं होता, हम वहाँ पे भी एंटर करने वाले हैं। हमारे रेडार पे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ऑफकोर्स यूके है, सिंगापुर, बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे हम मिर्ची को ले जा पाएंगे मिर्ची प्लस ऐप के थ्रू। नाउ इम्पॉर्टेंटली ये सब कंट्रीज में हमारी रेवेन्यू जनरेशन हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स में हम लोगों ने तकरीबन 7 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया फर्स्ट क्वार्टर में। फिलहाल थोड़ा सा लॉस भी है इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि ये मार्केट्स भी कोविड से रिकवर कर रहे हैं, लेकिन अगेन मुझे उम्मीद है कि अगले 3 क्वार्टर में हम ये सारे मार्केट्स को हम प्रॉफिटेबल बना पाएंगे और एंड ऑफ द ईयर में हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो प्रॉफिट ही दिखाएगा। ऑलराइट मिस्टर प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और अपने नतीजों पर और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर भी डिटेल में हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे ENIL के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत पांडे और आपको एक डिस्क्लेमर देते छोटा सा, ये टाइम्स ग्रुप की ही कंपनी है और ईटीनाव स्वदेश भी उसी ग्रुप का हिस्सा है जो कि चैनल आप अभी देख रहे थे, ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपके लिए।